हजरत, अब मैं जिस कवि के हुजूर चल रहा हूँ उनका ताल्लुक तो कचहरी से है, चार्ली तखल्लुस करते हैं और दीपक की तरह जलते हैं। तालियों से खैर मकदम कीजिए दीपक चार्ली। बहुत बहुत धन्यवाद। जब वो दिल्ली से लौट कर हरिद्वार गए तो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि बाबा जी आपकी यात्रा कैसी रही, तो बाबा रामदेव जी पे स्वर्गीय राजकुमार जी सवार हो गए और उन्होंने उसी लहजे में बताया रामदेव जी ने, ना पानी की बोछार से और ना कांग्रेस की सरकार से, अगर बाबा जिंदा बचा है तो एक महिला की सलवार से। बारसी जी ने ताल्लुक कराया कि कचहरी से वास्ता रखता हूं। दोस्तों आज मैं कचहरी को पूरी यहां उठाकर रख रहा हूं। कचहरी, वकील, जज क्या होते हैं ये हमसे पूछिए, उसमें मैं भी शामिल हूं, सारी जुडिशरी शामिल है। एलएलबी करने के बाद हमने एक दिन सोचा, हम घर खाली पड़े रहते हैं, घर वाले परेशान करते हैं, दिमाग खाते हैं, हमने सोचा कविता के साथ साथ चलकर कचहरी में भी किस्मत आजमाते हैं। हमने साथ जाकर एक बड़े वकील साहब से बात की, वकील साहब बोले बेटा कल से ही आ जाइए, लेकिन अफसोस इस बात का कि हमारे बैठने की कुर्सी की कमी है, हो सके तो कुर्सी लेते आइए। 200 रुपए की कुर्सी लेकर हमने चैम्बर पर डाली, अगले दिन पता लगा कि कमबख्त ने उठा ली। हमने जाकर अगले दिन एक मुंशी से पूछा, भाई क्या बात, आज हमारी कुर्सी नहीं दिखाई दे रही नीली। एक सज्जन बोले उसकी तो आज कुर्सी उठाने वाला ने दारू पी ली। हमने कहा ये भी सही रही, ये बात हमने किसी से नहीं कही, इस बात का हम आज तक मलाल है, यहाँ की अदालतों का तो हमसे भी बुरा हाल है। एक दिन हमारे वकील साहब बोले बेटा दीपक चार्ली जी यहाँ आइए, आज हमारा स्वास्थ्य खराब है, गरीब दाजी को ले जाकर तारीख ले आइए। सबसे पहले हमने इंसाफ की देवी का नाम लिया, उसके बाद अदालत में प्रवेश किया तो अदालत के मुख्य दरवाजे पर लिख रहा था कि इंसाफ का मंदिर है, होता इंसाफ है, रिश्वत लेना में देना दोनों ही पाप है। अदालत के मुख्य दरवाजे पर लिखा था कि रिश्वत लेना देना पाप है। अदालत में पहुंचने पर सबसे पहले मिले हमें पेशकार, हमने कहा भैया जी नमस्कार, हमने कहा भाई साहब आज हमारे वकील साहब की तबीयत खराब है, तारीख चाहिए। बोला अभी तो हमारे जैसा बैठे नहीं, 2 घंटे बाद आइए, अगर तारीख ही लेनी है जल्दी से 20 का नोट लाइए। हमने कहा पेशकार साहब देखो सामने दीवार पर लिख रहा रिश्वत लेना पाप है। बोला वकील साहब लिख रहे तो क्या बात है, आप भी पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। सिगरेट की डिब्बी पर साफ साफ लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के हानिकारक है, लोग फिर भी पी रहे हैं, देखते ही देखते हाथ पर खैनी मलता है। हमसे बोला वकील साहब यहाँ का सब काम धाम लेन देन से चलता है, सुबह सुबह का समय कुछ ना कुछ तो धरो, अरे 20 ना कहीं कम से कम 10 रुपए तो हाथ पर धरो। हमने 10 का नोट उसको दिया, ये तो हम जानते उसने किस तरकीब से लिया। हमने कहा देखो भैया पेशकार साहब सामने दीवार पे ये भी लिख रहा है कि कर्तव्य का पालन करो। पेशकार बोला वकील साहब ये कर्तव्य का ही पालन कर रहे हैं जो आपसे 20 की जगह 10 रुपए धर रहे हैं, वरना पूरे 20 ही लेते। अंत में पेशकार हाथ जोड़कर बोला जाइए वकील साहब, अब आप ये क्यों खड़े हैं, लेने देने के मामले में तो हमारे साहब भी हमसे बहुत बड़े हैं। वाह 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 चार्ली जी, आपको कहकाजार कर रहे थे। हजरत एक शख्सियत मेरे बीच